हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकॉम्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल टीयर 2 फॉर 2017 को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद हैं बच्चों के दिमाग में, क्योंकि सीजीएल टीयर 2 की डेट्स फाइनल कर दी हैं एसएससी ने। लैब्स भी बुक हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट केस का कोई फैसला नहीं आया है, जिसकी हियरिंग 5 जनवरी को है, मतलब आने वाले 2 दिनों में। लेकिन अभी एक मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, ऑडियो मैसेज, और इसको लेकर काफी ज्यादा क्लियरिटी हो रही है कि शायद सीजीएल अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि सीजीएल की जो डेट्स है वो 18 तारीख को है और 2 तारीख हो चुकी है, अभी तक एडमिट कार्ड का कोई नामो निशान भी नहीं है, और एसएससी कम से कम 2-3 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड लॉन्च करता ही है। ये तो नेसेसरी चीज है किसी भी एग्जाम के लिए एसएससी के, और यही चीज हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि इस बार सीजीएल जनवरी में नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं वो मैसेज क्या है, ऑडियो मैसेज, और जानते हैं कि उसमें क्या कहा है अथॉरिटीज ने एक बच्चे के साथ। सो स्टूडेंट्स ये था वो ऑडियो मैसेज जो कि काफी वायरल हुआ है सीजीएल टीयर 2 की डेट्स के रिगार्डिंग, और एडमिट कार्ड अभी तक इश्यू नहीं हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि सीजीएल इस बार पोस्टपोन हो सकता है, और बहुत ज्यादा श्योरिटी है, 90% चांसेस कि सीजीएल पोस्टपोन हो चुका है, और इसका ऑफिशियल नोटिस आपको वेट करना पड़ेगा साइट के ऊपर आने के लिए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आए बिना हम पूरी तरह से नहीं कह सकते इस चीज को। और लेकिन ये है कि एसएससी 2 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जारी करता है, और उससे देखा जाए तो अब पॉसिबल नहीं है कि एसएससी 18 तारीख से एग्जाम करवा सके, तो यही चांसेस हैं कि सीजीएल पोस्टपोन हो चुका है, और इसके पूरे ऑथेंटिसिटी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी को, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।